यूक्रेन में जिस बात का डर लोगों को सता रहा था, अब कुछ वैसी ही तस्वीरें सामने आती नजर आ रही है। सैन्य लामबंदी के ऐलान के बाद पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर डराने वाले हमले शुरू किए हैं। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जारी वीडियो में यूक्रेन पर भयानक हमले का दावा किया गया है। तो यूक्रेन का बड़ा दावा है, उन दावों में रूस यूक्रेन युद्ध पर बहुत बड़ी खबर अभी तक की सामने आई है, जिसमें दावा क्या किया जा रहा है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के दरमियान कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिनका जिक्र या जिनका डर पहले से बरकरार था। सैन्य लामबंदी के ऐलान के बाद पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर डराने वाले हमले शुरू किए हैं। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जारी वीडियो में यूक्रेन पर भयानक हमले करने का दावा किया जा रहा है। PMEGP योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यूक्रेन पर तेज हुए रूस के हमले, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से घातक वार, तोप के गोलों का ताबड़तोड़ प्रहार, यूक्रेन में पुतिन की वॉर मशीनरी का टॉप गियर लग चुका है। जल, थल और वायु से यूक्रेन की धरती पर जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं। रूस के लड़ाकू विमानों का नया दस्ता यूक्रेन के आसपास को दहलाने पर आमादा है। ये वॉर जोन ऐसी हो चुकी है जहां यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए रूस की सेना भयानक हमलों को अंजाम दे रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे रूस के मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर खार्कीव में यूक्रेन के सैन्य अड्डों को तबाह कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि खार्कीव में यह हमला यूक्रेन की 14वीं और 93वीं ब्रिगेड पर किया गया है। इसके अलावा खेरसोन में 46वीं एयरमोबाइल ब्रिगेड को भी रूस ने टारगेट किया है। जानकारी के मुताबिक रूस के लगातार हो रहे घातक हमलों में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं, रूस के मिसाइलों ने बीते 24 घंटों में ज़ापोरिज़्या के कई अहम ठिकानों को बर्बाद कर दिया है। ये वही इलाका है जिसे यूक्रेन की सबसे बड़ी संवेदनशील जगह माना जाता है, क्योंकि यहीं मौजूद परमाणु प्लांट को रूसी सेना ने शुरुआत से ही अपने कब्जे में ले रखा है। और यूक्रेन को इस बात की आशंका है कि लगातार मिल रही शिकस्त की खींच मिटाने के लिए पुतिन इस प्लांट को भी टारगेट कर सकते हैं। खुद यूक्रेन ने भी इस बात को कबूल किया है कि आंशिक लामबंदी वाले पुतिन के बयान के बाद से यूक्रेन पर हमले और तेज हो चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि रूसी सैनिक डोनेस के टोरेस्क शहर में दाखिल हो चुके हैं। इस शहर में रूसी सैनिक लगातार बमबारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन्हीं हमलों के दौरान एक बम उस बिल्डिंग पर भी गिरा जहां लोग रह रहे थे। रूस के ऐसे ही हमलों का जवाब देने के लिए ज़ेलेंस्की की सेना भी लगातार मोर्चे पर डटी है। ये तस्वीरें भी डोनेस्क इलाके से ही आई हैं, जहां सोवियत एरा के रॉकेट लॉन्चर PM-21 ग्राद से यूक्रेन दुश्मन सेना पर ताबड़तोड़ वॉर कर रहा है। यूक्रेन की सेना इस हमलों को रूस के सरहद के बिल्कुल करीब अंजाम दे रही है, यानी रूसी हथियार से ही रूस को सीधी चुनौती है। ये रॉकेट लॉन्चर 20 किलोमीटर तक टारगेट को तबाह कर सकते हैं। Наразі перебуваю на вищій посаді, кар'єрний зріст є, навички є, вміння. Я 18 років на своє день народження, на наступний день вирішив піти в Збройні Сили України, тому що для мене Збройні Сили... Юкрен ке ліє є хаді мушкілом се парі, кьокі руські таярія хатарнак санкет де рахі. Єхі вача бі є, кі Зеленський лагатар
मददगार देशों से हथियारों की डिमांड कर रहे हैं।